प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी वालों से किया वादा पूरा कर दिया। जी हां, सालों से बंद पड़े जगदीशपुर की सेल फैक्ट्री चालू हो गई है, लेकिन स्थानीय लोगों को न नौकरी मिल रही है और न ही रोजगार। उन किसान परिवारों में ज्यादा गुस्सा है जिनकी जमीनें फैक्ट्री में गई हैं। हाल में ही भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री के गेट पर धरना दे दिया। इस दौरान सेल के जीएम को भी बंधक बना लिया। ऐसे हालात में जीएम साहब भी क्या करते, न चाहते हुए भी उन्हें धरना स्थल पर आना पड़ा और विस्थापित किसानों को भरोसा देना पड़ा कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। 3/9/1999 को 3/9/19 को भारतीय किसान यूनियन आजादी टिकट के पूर्व में निश्चित पंचायत के अनुसार धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, जिसमें एक सूत्रीय किसानों की मांग पे एवं यूपीएसआईडीसी से के माध्यम से गजट के बाहर हुई, उप जिलाधिकारी के माध्यम से वार्ता होगी आपसे, जिसके फलस्वरूप उप जिलाधिकारी महोदय मुसाफिर थाने में पुलिस अधीक्षक पहुंची के द्वारा पहुंची थी। उपरांत सहमति के एक बाद भूमि सर किसानों को संगठन के माध्यम से काम में भू अवस्थापित जिन जमीनों काम देने के प्रयास को समायोजित किया जाएगा। काम न लगने की स्थिति के संगठन एक बार पुनः धरना संगठन। बहरहाल अब देखना ये होगा कि विस्थापित किसानों के परिजनों को कब सेल फैक्ट्री में नौकरी मिलती है और उनकी समस्याओं का निस्तारण कब होता है। अमेठी से एनडीटीवी भारत के लिए तौफीक अहमद की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।